Hello everybody. Welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 6 from exercise 7C. In this question, it is given that total number of students in class school mein hai, they are 3000. ठीक है? उसमें से एक picnic का program बना, ठीक है? तो फिर how many students turned up for the picnic? 2400 बच्चे picnic पे चले गए, ठीक है? अब बाकी के कुछ बच्चे पिकनिक पे नहीं गए, ठीक है? तो we have to find out percentage of students who did not go for the picnic. भई आपके स्कूल में अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से 99% सारे बच्चे भी तैयार हो जाते हैं पिकनिक के लिए, है ना? बस किसी बच्चे के वाकई में अगर पेट में दर्द है या कुछ, अदरवाइज अगर क्लास के लिए बोलो तो क्या होता है, हर बच्चे के पेट में दर्द शुरू हो जाता है ना, ठीक है? लेकिन भाई पिकनिक है तो वाकई में कुछ एक्सक्यूज होगा जो कुछ बच्चे नहीं गए, ठीक है? तो वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो नहीं गए, ठीक है? व्हाट वी विल डू हियर इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो फॉर द पिकनिक. जो बच्चे स्कूल में पिकनिक पे नहीं गए पहले तो उनका नंबर निकालेंगे, ठीक है? सो दिस विल बी टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स हु वेंट फॉर द पिकनिक, ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा? 600. इसका मतलब 600 स्टूडेंट्स हैव नॉट टर्नड अप फॉर द पिकनिक, नहीं गए, ठीक? नाउ वी विल फाइंड आउट द परसेंटेज. इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम जो बच्चे नहीं गए हैं? ऑब्टेन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू इनटू 100 और परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है? तो व्हाट इज द ऑब्टेन वैल्यू इज 600. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3000 है ना, इनटू 100. 0 से 0, 0 से 0, 6 5s are 30. अब 5 2s are 10, 0, तो कितना आया आंसर? हैज कम आउट टू बी 20%. क्लियर है? इसका मतलब 20% स्टूडेंट्स हैव नॉट गॉन टू द पिकनिक. क्लियर है? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7. आप लोग जाते ही नहीं जाते हैं पिकनिक पे, है ना? पिकनिक तो भैया बच्चों के लिए बेस्ट टाइम होता है, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 65% ऑफ चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल लाइक टू प्ले हॉकी एंड रेस्ट लाइक टू प्ले बैडमिंटन. एक स्कूल है जिसका जो इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 7000, इस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स आर 7000, ठीक है? 65% ऑफ चिल्ड्रन लाइक टू प्ले हॉकी. यहाँ पर 65% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी. स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी इज इक्वल टू 65%, ठीक है? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी तो वो 65% है. क्लियर है? दे आर आस्किंग दैट इफ यू फाइंड आउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले बैडमिंटन. हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले बैडमिंटन. अब भाई एक स्कूल में 7000 स्टूडेंट्स है, ठीक है? 65% ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले हॉकी, ठीक है? और बाकी के बच्चे क्या खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन. क्लियर है? तो हमें वही फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालने हु लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ठीक है? भाई हमारी 7th क्लास इज अ वेरी ब्रिलियंट क्लास है ना, तो बड़ी इंटेलिजेंट है, कर लेगी ना आराम से. कैसे? वी फाइंड आउट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले, स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी. पहले हम इसके नंबर निकालते हैं. यहां तो हमारे पास परसेंटेज में गिवन है 65%, हम इसका पहले नंबर निकालते हैं, ठीक है? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 65% ऑफ 7000, ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं हम, ठीक है? तो ये हो जाएगा 65/100 इंटू 7000. 1212, ठीक है? ये वाला जीरो लगा देते हैं हम. 7 5s are 35, 7 6s are 42, 45, 4 5 50, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले बैडमिंटन. कैसे निकालेंगे हम? टोटल बच्चों में से अगर जो बच्चे हॉकी खेलते हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा. यस डेफिनेटली, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले
बैडमिंटन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन माइनस नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले हॉकी। ऐसी तो आपकी क्लास में स्कूल में ऐसे निकलता होगा, अगर भाई कोई चीज है, कोई गेम कोई खेलते हैं कुछ ग्रुप, तो अगर टोटल नंबर में से सपोज इफ यू हैव क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, अगर आपकी क्लास का स्ट्रेंथ है 700, तो 700 माइनस द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु प्ले क्रिकेट, तो वॉलीबॉल का खुद बहुत ही निकल जाएगा ना। ठीक है, सेम इज द केस हियर। कितना हो जाएगा? 0542 2450। क्लियर है? नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8।